काई तू भूखो है भागवत? हाँ मने भूख लगी है, चलो देखो बाजार में की मिल जाए। भागवत देख उठे मूंगफली है, मने चौकी घनी लागे। की बात को नहीं अपा मूंगफली चोरी नहीं करा, सिर्फ चाखा। नाट भागवत नाट बचाओ, नैन क्या चोरो? बेटा कहीं भी हो तू हौलता है? अरे मैं कटे हाँ। ते किस्मत वाला हो के मारी सत्संग में आया। आज मैं लोग बात कराला के परमात्मा चावे के अपा चोरी नहीं करा। मैं सोचू के ते चोरी नहीं करना है जी की बात बताओ, वह घनी चौकी है। मने था है कि चोरी करनी खराब बात है, पर कहीं करू कणी कणी मारो खुदरो मन मारे वश में ही नहीं रहे। क्यों के थारे करने वा शक्ति कोनी जिको थने अपने आप माते काबू राख सके। थने किनी एडी महान शक्ति की जरूरत है जिको थने खोटा काम करना हूँ बचा सके। मैं ताकतवर हूँ, मने किनी शक्ति की जरूरत नहीं है। अरे ठीक है माने शायद थोड़ी सहायता चाहिए। वास्तव में एक ही आदमी है जिको खोटा काम माते काबू राखन और जन्म मरणा चक्र ने तोड़नारी शक्ति राखे। इन नारियल माए इन गुप्त बात रो राज छिपियोड़ो है। एक नारियल? हाँ मारा भाई लोगा, मैं चाहूं के मैं थाने एक महान मिनक रे बाबत बताऊं। एक चमत्कारी रूप हूँ भगवान यीशु इन जगत माए पैदा हुआ। एक ताकतवर तारारी रोशनी रे नीचे तीन राजा वाने उगुणा पहाड़ू देखन खातर आया हा। ज्यों ज्यों वे मोटा विया के विद्वाना ने वे आपरे ज्ञानू चकित कर दिया। भगवान यीशु घणा शक्तिशाली वेला। हाँ मारा भाइयों, वे भगवान जिको संसारी रचना करी यीशु वारो एका एक बेटो है। वो खाली मिनक नहीं हो, प्रकृति वाली आज्ञा रो पालन करे। एक दिन वे आपरे चेलारे हाथे नाव माते हुता हा। 19 टाइम एक हाची तेज आंधी आई जिन माए उंडा चेला डर गा और वे भगवान यीशु ने नींदू उठाया। भगवान यीशु आंधी और लहरा ने रुकंडो हुक्म दियो और 19 टाइम आंधी और लहरा रुक गई। एक दिन भगवान यीशु रा दोस्त लाजरस री मौत वेगी। जब भगवान यीशु लाजरस से कब्र माते पुगा तद लाजरस ने मरिया ने 4 दिन वेगा हा। भगवान यीशु लाजरस रो नाम लियो, 19 टाइम लाजरस पाछो जीव तो वेगो और पूरो हाउड़ वेगो। एक दिन यीशु 5000 लोगा ने उपदेश देवता हा और वहां लोगा ने हाची भूख लागी। उठे एक छोरा कने 5 रोटी और 2 मछलियां ही। भगवान यीशु 5 रोटी और 2 मछलियां लेने आशीष दी और एड़ो चमत्कार वियो के उन सबारो पेट भरीज गो। हंगारे खायारे पछे ही घना हारो खानो बच गो। यीशु महाराज सबारी जरूरत रो ध्यान रखे और आपा सबाऊ घनो हेत रखे। पण भगवत जानना चाहे के इन सगली बातारो नारियल नु काई लेनो देनो? भगवान यीशु इन संसार में आया के आपाऊ प्रेम करे और आपारी मदद करे, पण की लोग वारेऊ ईड राखता और वाने मारनी चाहता हा। भगवान यीशु ने राजा पकड़ लिया और वह ने मौत री सजा सुनाई। यीशु ने एक भाकर माते लेगा और वारे हाथ पग माए कीला ठोकी और वह ने सुली माते लटका दिया। तद वे आपरी आत्मा आपरे पिता परमेश्वर रे हाथ माए हु पर मर गया। एक मिनट रुको,
जे भगवान यीशु इतना शक्तिशाली हा तो वे मर की कर गया, वे सुल्लू नीचे क्यों नहीं आई गया? बढ़िया सवाल पूछियो। वारी मौत कोई हासो नहीं हो, वे एक उद्देश्य री खातर मरिया। जीव नारियल टूटो, उन्हीं तरह यीशु रे शरीरो बलिदान भी हो, ताकि अपा बच सका। जिको लो यीशु रो निकलियो, उन माए अपरा पाप ने माफ करने की शक्ति है। अच्छा, तो वेने मौत में भी ताकत थी। हाँ, अर अटे खत्म नहीं हुए। यीशु रे मरिया पछे वारा चेला वारा शरीर एक कब्र माए मेल दियो। पण 3 दिन पछे यीशु पाछा जीवता वेगा और कब्र मायू बारे आएगा। इन पछे वे आपरा चेला ने दर्शन दिया और हुक्म दियो के आ बात पूरा जगत ने बताओ। यीशु आपरा चेला ने वचन दियो के वे एक दिन शक्ति और जयकारा रे साथे पाछा आवेला। इन पछे वे स्वर्ग में गया परा और अबे ताई वटे ही है एक राजा रे रूप में। सिर्फ परम पिता परमेश्वर रा बेटा यीशु महाराज माते भरोसा करना हूँ और वारी आज्ञा मानना हूँ अपारा पाप माफ वे सके। मैं और भागवत भगवान ईश्वर चेला बननी चाहवा और व्याण माते विश्वास करनी चाहवा। बहुत चौकी बात है मारा टाबरा। हेवट मिलेज गया नहीं क्या चोरो? माने दोनों ने माफ कर दो मूंगफली चोरी करना रे वास्ते। अच्छा, मैं थान लोगा ने माफ करूं। एलो भले मूंगफलियां। आओ आपा हैं मिलर धन्यवाद और जय जयकार करा। एक बार आओ नी यीशु जी मारे पावना, एक बार आओ नी यीशु जी मारे पावना। थारा छोरा छोरी जो वे थारी बाट, यीशु जी मारा लाड केला। थारा छोरा छोरी जो वे थारी बाट, यीशु जी मारा लाड केला।